भाई इस समय मैं सीताराम बाजार में आ रखा था, इतना तगड़ा इडन जैम दिखाने लाया ना जो कि आपने भाई कभी नहीं देखा होगा। तो ये भैया है यहाँ के ओनर है, जैसे कि पहले इनके फादर थे जो कि अभी एक्सपायर हो गए, तो ये भैया आगे रन कर रहे हैं। तो भैया बताओ अपने बारे में। मेरा नाम अमित कुमार है। अच्छा, ठीक है। हमारी दुकान को 75 से 74 साल हो चुके हैं हमारी दुकान को, और ये हमारे दादाजी ने चालू करा था इस काम को। अच्छा, और ये अभी तक कोई नहीं बनाता, सिर्फ हमारे अलावा कोई नहीं बनाता, कोई नहीं बनाता ये। अच्छा, तो ये आया कहाँ से था, जैसे स्टार्ट कहाँ से हुआ? ये हमारे दादाजी ने गांव में सीखा था अपने। अच्छा, वहाँ से फिर हमने, बाबा ने हमारी दुकान ली थी। अच्छा। फिर यहाँ चालू करा था। यहाँ चालू करने के बाद फिर क्या कहते हैं, अपने आप ऑटोमेटिक जब लोग बागों ने क्या कहते हैं खाने का स्वाद देखा, तो उनको और मिठाइयों की जगह ये ज्यादा मिठाई उनको ज्यादा बेस्ट लगी, क्योंकि इसमें ना कि कोई मिलावट है, ना कोई मिलावट है। नहीं है, कुछ नहीं है इसके अंदर। अच्छा। ये बनती है सिर्फ दूध और गेहूं और आटे से। अच्छा, तो ये अभी इसमें आपने क्या डाल रखा है? इसमें एक समनक होती है। अच्छा, इसमें एक समनक होती है जो गेहूं को अंकुरित करा जाता है। अच्छा, हाँ, जिसमें अंकुरित जैसे कि उसमें वो आया था, फिर उसको निकाल करके उसको तोड़ करके, अच्छा, उसको सुखाया जाता है। सुखाए जाने के बाद उसको फिर पीसा जाता है। अच्छा, उसको बोलते हैं हम समनक। अच्छा, जिसे बोलते हैं। अच्छा, समनक आटा और क्या कहते हैं दूध, इससे बनती। अच्छा, है। और इसके अलावा इसके अंदर और कुछ गलता नहीं। अच्छा, और काफी टाइम लगता होगा इसे बनने में? इसमें कम से कम तो 4.5 से 5.5 घंटे लगते। 5.5-6 घंटे। हाँ। अच्छा, तो अभी ये इसमें आपने डाल रखा वीट का आटा डाल रखा? बिल्कुल। अच्छा, अब इसको अंदर क्या है, हम दूध से इसको दूध डालते डालते हम इसको थोड़ा अच्छा पतला करते रहेंगे ताकि इसके अंदर इसमें गांठ ना बने, क्योंकि अच्छा जो इसमें आटा डाल रहा है तो इसको गांठ अच्छा ना बने। तो हल्का हल्का दूध डालता रहेगा और हल्का हल्का ये अपना मैश होता रहेगा पूरा पूरा। फिर इसके अंदर तकरीबन इसके अंदर डलेगा 30 किलो के करीब दूध। 30 किलो दूध डलेगा। अच्छा, और ये वीट कितना डाला होगा आपने? ये वीट डलता है इसके अंदर तकरीबन 750 ग्राम। अच्छा, 750 ग्राम में 30 किलो दूध। हाँ। अच्छा, और जब ये बन जाएगा तो कितना आएगा? तकरीबन 30 किलो का तकरीबन 7.5-8 किलो के आसपास इसके अंदर आएगा। अच्छा, 7-8 किलो के करीब। बिल्कुल। अच्छा, तो ये जो अपना दूध है ये आप कहाँ से लाते हो? ये हमारा गाजीपुर से आता है। गाजीपुर मंडी से आता है? मंडी से नहीं, गाजीपुर डेयरी है। डेयरी है? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वहाँ से आता आपका। तो थैली वाला वैसे यूज नहीं करते आप? नहीं, थैली वाला यूज नहीं करते, क्योंकि थैली वाले के अंदर इतना वो नहीं होता, क्योंकि वो ठंडा होता है। ठंडे के अंदर पहले वो दूध गर्म होगा, फिर उसके बाद ज्यादा वैसी प्रोटीन उसका सारा खराब हो जाता है फिर। तो इसलिए मैं ना यही वाला दूध नहीं, हम यही वाला दूध यूज करते हैं। अच्छा, तो इस शॉप को यहाँ पर कितना टाइम हो गया? इस शॉप को हो चुका तकरीबन नहीं तो 73 से 74 साल हो चुके हैं। 73-74 साल हो गए। हाँ। अच्छा, तो कौन सी जनरेशन है अभी आप? मेरी ये है जी चौथी जनरेशन। चौथी जनरेशन है जी। अच्छा, तो आप अभी यही काम कर रहे हो या इसके सिवा और कुछ भी? नहीं, वैसे तो मैं बैंक में हूँ। अच्छा, बैंक में हूँ। अच्छा अच्छा, ये तो क्या है कि मैं बनाता हूँ, क्योंकि हमारा इतना पुराना काम है। हाँ, तो इसको मैं आप इसको फॉलो कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अच्छा, तो भाई आप देख सकते हो जॉब होने के बाद भी ये इस काम को आगे ले जा रहे हैं, और कम से कम 70 से 80 साल पुराना मैं आपको हिडन जेम दिखा रहा हूँ यहाँ पर। और आपका लाइसेंस भी फिर उसी टाइम का बना होगा जी? ये हमारा तकरीबन ये लाइसेंस है। अच्छा, दिखाइए। ये सन क्या कहते हैं 25/9/2080 के अंदर ये रिन्यू हुआ था। अच्छा, तो ये जबी का बना हुआ है? जबी का बना, हमारे दादाजी के नाम से आपका। अच्छा। हाँ। क्या नाम था? फूल सिंह दूध वाला। ये कलर देखिए, 5 से 6 घंटे की मेहनत के बाद ये निकल के आया है। आपको लग रहा होगा भाई मिल्क केक है, पर मिल्क केक जैसा नहीं है ये, काजू कतली जैसा भी नहीं है, बर्फी जैसा भी नहीं है। सबसे डिफरेंट चीज़ है ये, जो कि भाई 4 से 5 घंटे इसको लगा बनने के अंदर, और अभी हमारा इस परात में निकाला जाएगा सारा, फिर उसके बाद टेस्ट करते हैं और उसके बाद बताते हैं। अब भाई थोड़ा प्रेजेंटेशन के लिए काजू यहाँ पे लगाया जा रहा है, ये देखिए। तो हल्के ही लगाते हैं, उसमें ज़्यादा ड्राई फ्रूट यूज नहीं करते आप? नहीं, बस शो के लिए। अच्छा, इसलिए जो भी ज़्यादा ही ड्राई फ्रूट लगा देंगे तो लोगों को पता क्या चलेगा कि इसका टेस्ट क्या है। हाँ। तो भाई ये हमारी मिठाई बन के आ गई है, ये देखिए भाई, थोड़ा सा हमने एक पीस लिया इसमें, ये देखिए ऊपर काजू लगा रखा है एकदम। इसे ट्राई कर लेते हैं भाई। 100% ये ओरिजिनल चीज़ है, और पूरी वीडियो आपने देखी होगी, मेरे को तो काफ़ी मज़ा आया शूट करने में। और भाई ये चीज़ है ट्रेडिशनल, जो कि भाई हमारे बाप दादा खाते थे 50 साल पहले की, जो कि भाई ओरिजिनल मिलता था। ये क्या है, ये आराम आराम से क्या है ख़त्म ही होती जा रही है भाई। तो मैं तो यही बोलूँगा भाई, ऐसे वेंडरों को भाई सपोर्ट करो, और आपको भी खानी हो। सपोर्ट का मतलब है कि आप यहाँ पे आओ,
इनसे मिठाई लो और खाओ। और ये देखिए भाई, काफ़ी ओरिजिनल है ये चीज़, आपको हल्दीराम बीकानेर पे नहीं मिलने वाली भाई। ये चीज़ इतना ओरिजिनल चीज़ नहीं मिलेगी भाई, मैं तो यही बोलूँगा। मेरे को तो काफ़ी अच्छा लगा, आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताना।